डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन एएससी स्टार्टर। आज आपका मिड टर्म का एग्ज़ाम हुआ था, क्लास 11 की बात कर रहा हूँ इंग्लिश की। तो मैं इस वीडियो में आपसे केवल जो ग्रामर का पोर्शन है उसके सॉल्यूशन डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है। तो आप अपने आंसर मैच कर लो, बाकी कोशिश करूँगा मैं पैसेज या जो भी एमसीक्यू है उसके भी आंसर आपसे शेयर कर सकूँ। तो वंस देयर वाज अ किंग, एक बार एक राजा हुआ करता था। ही वाज नोन फॉर हिज बेनिवोलेंस, तो वो अपनी बेनिवोलेंस के लिए जाना जाता था। वाज नोन आएगा यहाँ पर, और मतलब अपनी मतलब बहुत अच्छे कामों के लिए, ठीक है ना। एवरीडे ही फैड आएगा, खिलाता था, पास्ट टेंस चल रहा है। फैड द हंगरी, मतलब जो भूखे लोग होते हैं उन्हें खाना खिलाता था, फैड में तो खाना खिलाना। एंड डैश क्लॉथ, और कपड़े देता था, ठीक है, था पुअर गरीबों को। बिफोर ही डैश हिज फूड, और अपना खाना खाने से पहले ऐसा करता था, जैसे टू का आएगा, फिर सब कुछ पास्ट में चल रहा था, पास्ट बनना था। ही डिड सो फार मैनी ईयर्स, और वो ऐसा काम कई सालों तक कर रहा उसने, तो डेढ़ आएगा यहाँ पे, ठीक है। ही डैश बाय हिज सब्जेक्ट, तो ही वॉज लव्ड, और उसे ये कार्य बहुत अच्छा लगता था, तो वॉज लव्ड पैसिव फॉर्म में था ये, ठीक है। तो मैंने सर्कल भी मार दिए क्योंकि आप इससे भी क्लियर कर पाओ। अब यहाँ पर बोला कि पैसिव फॉर्म में करना है, केवल दो करने थे। द मेथड फॉर बिल्डिंग द हाउस, तो आ जाएगा द हाउस वॉज बींग, क्योंकि जब आईएनजी लगता है तो बींग लग जाता है, और वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रहा था बिल्ट बाय द मेसन्स, ठीक है। फिर नेक्स्ट है द दे एक्सपेक्ट गुड न्यूज़, तो न्यूज़ जो है ना वो सिंगुलर में ली जाती है, तो इसलिए गुड न्यूज़ इज एक्सपेक्टेड बाय देम, क्योंकि यहाँ पे प्रेजेंट है तो प्रेजेंट में रहेगा इज, ठीक है। फिर नेक्स्ट है द कैट ड्रैंक ऑल द मिल्क, तो यहाँ पर कैट लिखा और उसके बाद लिखा ड्रैंक, सेकंड फॉर्म लगी हुई है, और जब सेकंड फॉर्म लगी है तो वाज या वन लगता है, सिंगल के साथ वाज, प्लूरल के साथ वन लगता है। तो ऑल द मिल्क वाज ड्रंक बाय द कैट, यहाँ पर सारा का सारा दूध, तो यहाँ पे वर्क कर लेना क्योंकि पूरा दूध को प्लूरल सेंस में लिया जा रहा है, ठीक है, तो यहाँ वर आएगा, ओके। फिर उसके बाद यहाँ पर आपको इसे लाइन से लगाना था, तो हाइड पार्क हैज अ वाइड रेंज ऑफ फैसिलिटीज, ठीक है, यहाँ पर बहुत बड़ी मात्रा में कई प्रकार की सुविधाएं हैं, तो इसका आंसर मैंने लिख दिया, ऊपर नंबर डाल दिए। और फिर इसका आपको ठीक करना था, तो द लेक इज पॉपुलर, द लेक इज पॉपुलर, मतलब ये लेक जो है पॉपुलर है, इज फॉर बोटिंग एंड स्विमिंग, मतलब बोटिंग और स्विमिंग के लिए ये लेक पॉपुलर है। तो ये मैंने आपको बता दिया कितने मार्क्स सबके बनते हैं, आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं, बाकी कोशिश करूँगा और जो भी पार्ट है इसका सोल्यूशन आपको देने की। होप आप सबका पेपर अच्छा गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुली, टेक केयर ऑल डियर स्टूडेंट्स।